Vicar General, Father Mukti Prakash Minch. Father Sunil Kujur, Kunkuri Palli ke Palli Prohit. Father Fulgence Minch, Grameen Vikas ke Nirdeshak. Father Sanjay Kirketa, Sahayak Palli Prohit, साथ में कटिकिस डायरेक्टर. फादर सेल्वेस्टर कुजूर बिशप हाउस में रहेंगे. इनको पुनः पल्ली वासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं. तालियों द्वारा इनका स्वागत करेंगे. इस खुशी के दिन में हमारे पल्ली वासियों हमेशा या तो विदाई हो या स्वागत हो हमेशा तैयार रहते हैं. हम उस खुशी को तहे दिल से स्वीकारने के लिए हमारे पल्ली के सभी माता पिता भाई बहन स्वागत स्वरूप मंच पे आ रहे हैं. उनको हम पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा एक स्वागत से इनका स्वागत करें. ये स्वागत गाना हमारी माताओं की ओर से है, तो लीजिए आज प्रस्तुत करते हैं. खुशी लागी
अच्छे गाना के लिए पल्लीवासियों की ओर से जो गाना गाया है उसके लिए पल्लीवासियों को तहे दिल से पुनः हम धन्यवाद स्वरूप तालियों द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ आगे कड़ी है हमारे बीच में नए विकर जनरल फादर मुक्ति प्रकाश मिंच। स्वागत या उद्गार भाव दो शब्द के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। परमारी जय यीशु। निम्हाय सुंदर डंडी गे स्वागत गे और इधा फूल गुच्छा गे एन और मार तर्तिक मला एघाय तर्तिक गे निमन बहुत बहुत धन्यवाद छिदन। निम्हाय उद्गार और प्यार गे इंद्रगी बिड़ा तम अपना अपना बोर होंगे तेन मला बाना और इंगा गे मौका खखरा शुरू निशन मिशन अनार की निमहाय निमा के बिनती नानते हुए इबड़े और गने अंति धर्म से धन्यवाद छे आगे तो इन बग्गे मानवार की अनिमासी जितना कैथोलिक सभा महिला संघ सिस्टर और इतना ब्रदर और माँ विश्वासी आलानीन इन बिशप सौस्तर्तिक और बिशप स्तरती पूरे धर्म प्रांतरती निमान और मार और मारीन धन्यवाद और जय जयसु। फादर विजी आपको पुनः पल्ली की ओर से और जितने भी सिस्टर्स हैं सबकी ओर से आपके स्वागत धन्यवाद स्वरूप या उद्गार भाव प्रेम ने आपने बांटा है उसके लिए हम पुनः आभार व्यक्त करने के जोरदार तालियों द्वारा इनका धन्यवाद देंगे। अभी और एक गाना है कैथोलिक सभा की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपने अच्छे स्वर से गाना को उद्गार करें। ऋतुओं का राजा यदि बसंत है, ऋतुओं का राजा यदि बसंत है तो ऋतुओं की रानी वर्षा। ऋतु राज की समाप्ति के बाद ग्रीष्म ऋतु का आतंक सर्वत्र फैल जाता है। संसार को झुलस देने वाली धूप लू धूल गर्दे और कोरोना जैसे महामारी त्राही त्राही मचा जाती है। ठीक ऐसे समय में वर्षा ऋतु का सुआगमन होता है। वर्षा ऋतु का आगमन होते ही काले काले बादल विभिन्न रूपों में उमड़ धुमड़ कर तैरते नील गगन में तैरते रहते हैं। झींगुर भी अपनी सुरीली तान लिए ऋतु रानी की स्वागत में जुड़ जाती है।
दादुर मेंढक कब तक मौन रहेंगे, वे भी सापरिवार एक साथ बैठ करके, सारे बच्चे बीच में, माँ बगल में, पिताजी कुछ दूर में। तो ये मेंढक के गान बच्चे शुरू करते हैं, गाते हैं, रोटी 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 रोटी, माँ बोलती है रह 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 रह, पिताजी बोलते हैं बाँट बाँट बाँट। तो इस सुमधुर बेला में इन दादुर मेंढकों के साथ ही हम स्वर मिला करके आप सभी के स्वागत के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आषाढ़ का यह महीना आप सभी के लिए खुशियों का बरसात करे, हर शाम आपके लिए सुहावनी सजती रहे, हर सुबह सुनहरी किरण लाए, आप खिलते रहे फूलों की तरह, मुस्कुराते रहे कलियों की तरह। हम अब आप सभी का स्वागत करते हैं कुनकुरी पल्लीवासियों की तरह। आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपको मिले जिंदगी की हर खुशी, उस खुशी में हम ना हो, तो हमारा लीजिए प्यार भरा नगमा आपके स्वागत के लिए। यो रे ये दे रे भाई, यो रे ये दे रे भाई, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। यो रे ये दे रे भाई, यो रे ये दे रे भाई, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। औ सुगा आचेरा युड़ के, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। ललली ललली ठोर सुगा पाँख तोरा हरियार, डेना तोरा हरियार, काजना रंगल देहा तोरा। ललली ललली ठोर सुगा पाँख तोरा हरियार, डेना तोरा हरियार, काजना रंगल देहा तोरा। ऐसन सुंदर सुगा पवली है रे, दिला में जोग राखा। अब ऐसन सुंदर सुगा पवली है रे, दिला में जोग राखा। अब यो रे ये तेरे भाई, यो रे ये तेरे भाई, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। औ सुगा या चेरा युड़ गे, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। कबूली तोर सुगा मधुर सवदरी, सुन गले बड़ा मजा लागे। कबूली तोर सुगा मधुर सवदरी, सुन गले बड़ा मजा लागे। कुहू कुहू कुपी मारल सुगा, सुन गले बड़ा मजा लागे। कुहू कुहू कुपी मारल सुगा, सुन गले बड़ा मधुर लागे। यो रे ये तेरे भाई, यो रे ये तेरे भाई, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। औ सुगा या चेरा युड़ गे, सुगा तो यू तरह बने, सुगा तो यू तरह बने। कहाँ तोरा देश सुगा, कहाँ तोरा बसाले, कुनकुरी में तो डेरा तोरा। कहाँ तोरा देश सुगा, कहाँ तोरा बसारे, कुनकुरी में तो डेरा तोरा। समझ कर सलो सुगा, समझ के सुंदर बनई राखबे। परिवर कर सलो सुगा, परिवर के सुंदर बनई राखबे। यो रे
तेरे भैयो रे, ये तेरे भाई सुगा तो यू तारे बने, सुगा तो यू तारे बने, ओ सुगा आचरा युड़े, सुगा तो यू तारे बने, सुगा तो यू तारे बने, सुस्वागतम सुगा सुस्वागतम रे, जीवन में सुखी रहू, जीवन में खुशी कारू, सुस्वागतम सुगा सुस्वागतम रे, जीवन में सुखी रहू, जीवन में खुशी कारू, ये है हमर शुभ कामना सुगा रखू, ये है हमर शुभ कामना सुगा मना में जो गायरागू, ये है हमर शुभ कामना सुगा दिला में संजय रखू, ये है हमर शुभ कामना सुगा मना में जो गायरागू, योहरे ये तेरे भैयो रे, ये तेरे भाई सुगा तो यू तारे बने, सुगा तो यू तारे बने, ओ सुगा याचरा युड़ गे, सुगा तो यू तारे बने, सुगा तो यू तारे बने, हैसो मरबुचु मरबुचु गुड़ा खुटा बा, हाय कुल कुल चरठु दुल्हा, धन्यवाद। इन पुनः पल्लिता जितने कातली सभा महिला संघ युवा संघ आर इन एन तहे दिल ती धन्यवाद से आगे और मारती इन आग्रह नंदन की ताली द्वारा आर इन आभार व्यक्त करनो। इदि खोखा नम है पुनः पल्ली पुरोहित जो कि घोलेंगती बहुत जल्दी वर्चस इस्ता हाव होने ये रागे कि एकासे वहाँ पल्ली रही और कैथेड्रल परिसर रही और नभायते वर्च कदस फादर सुनील कुजूर इसिन एन आमंत्रित नंदन कि तंग है अच्छा आवाज थी दो शब्द द्वारा नमन तंग है उद्गार ननुस तो भाई अनिमस बाचस तंग है अच्छा आवाज थी बाचस शायद आवाज का अच्छा मना के पुल्लो हन इंद्र के कि कोरोना का ही महामारी नुना मुरमत रहत तो आदरणीय श्रद्धेय फादर मुक्ति प्रकाश मिंज जी हमारे जसपुर धर्म प्रांत के विकर जनरल सभी पुरोहित बंधुगण हमारी सभी धर्म बहने ब्रदरगण और हमारे कुनकुरी पल्ली के कैथोलिक सभा के अध्यक्ष समिति के सभी सदस्यगण हमारे कुनकुरी पल्ली महिला संघ की अध्यक्षा और समिति के सभी सदस्यगण हमारे कुनकुरी पल्ली के युवा संघ अध्यक्ष या तो अध्यक्षा और यहाँ पर उपस्थित पुनः मेरे अति प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आज के इस पावन दिन में और बड़े दिन में मैं आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि पूरी के पूरी सरगर्मी के साथ में आप लोगों ने मेरा केवल नहीं लेकिन जितने भी हम लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं हम लोग पुरोहितगण आए हैं अभी विभिन्न स्थानों से अलग अलग स्थानों से कोई आया उत्तर की ओर से कोई आया दक्षिण की ओर से कोई आया पूरब की ओर से कोई आया पश्चिम की ओर से हम लोग पहली बार आप लोगों के बीच में यहाँ पर हम लोग विराजे और आप लोगों ने आज के इस दिन में अच्छी तरह से हम सभी का स्वागत किया मैं आप सभी को मैं धन्यवाद मैं कहता हूँ और व्यक्तिगत रूप में कुनकुरी पल्ली मेरे लिए बहुत नया तो नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुनकुरी हम सभी पुरोहितों का
सेंटर है, बिशप्स हाउस है यहाँ पर, और इसलिए हम लोग बहुत बार आना जाना करते हैं। और इसके अलावा पहले भी मैं यहाँ पर एक वर्ष के लिए मैं बिशप हाउस में था, और उस समय बारंबार बहुत बार जब कभी भी अवसर मिलता था इस कैथेड्रल चर्च में मैं मिस्ता के लिए मैं आता था। कभी परम प्रसाद बांटने, कभी मिस्ता पूजा संपन्न कराने के लिए मैं बहुत बार आता था, और इसलिए उस समय भी बहुत अच्छा लगता था और अभी भी लग रहा है। तो मैं एक चीज़ को मैं कहना चाहूँगा, पल्ली पुरोहित के रूप में मैं अभी घोलंग में विगत वर्षों में वहाँ 5 वर्ष के लिए मैं वहाँ कार्यरत था और अभी यहाँ पर आना हुआ। मेरे यहाँ आने के पहले, अभी जस्ट पहले, हमारे भूतपूर्व पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर तर्सिस क्रिकेटा वे बहुत वर्षों तक यहाँ पर रहे, और उनसे पहले भी पुरोहितगण रहे, उनसे पहले भी पुरोहितगण रहे, और सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कामों को उन्होंने इस पल्ली के लिए निभाया है, पूरा किया है, अपने योगदान के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने अच्छी बातों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा उन्होंने अपना काम यहाँ पर किया है। सभी को अनुभवी रहे, बहुत बहुत सभी को सीनियर्स फादर लोग रहे, और मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक वे यहाँ पर थे, कार्यरत थे, उनके साथ में आप सभी कोई थे, धर्म बहने भी थी, आप माता पिता लोग भी थे उनके साथ में, और उनके सभी कामों में आप लोग अपना हाथ बटाते थे, आप उनका सहयोग करते थे, क्योंकि हम सभी को विदित है कि कलीसिया एक व्यक्ति से नहीं बनती, कलीसिया एक व्यक्ति से नहीं बनती, कलीसिया हम सबों से बनती है, कलीसिया कलीसिया कहलाती है जब हम सभी को एक साथ मिलकर के हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, अपना योगदान देते हैं, कलीसिया बढ़ती है। और इसलिए पहले के पुरोहितगण भी बहुत सफल रहे और यहाँ का काम सफल रहा, क्योंकि उनके साथ में आप लोग थे। अभी मैं भी यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों ने मुझे शामिल किया है आज के इस स्वागत कार्यक्रम के द्वारा, मुझे भी अपने बीच में आप लोगों ने शामिल किया है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि जिस भांति आप लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपनी योजना के द्वारा, अपने अच्छे बातों के द्वारा आप लोग सहयोग देते थे, वही उत्साह, वही नवस्फूर्ति के साथ में हम लोग काम करेंगे, और तब यहाँ की कलीसिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए मेरी पूर्ण आशा है कि आप लोग सभी समय सभी परिस्थिति में आप लोग मेरे साथ या तो हम लोगों के साथ में आप लोग हमेशा अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और जैसे जैसे दिन बीतते जाता है हम लोग एक दूसरे को जानेंगे और तब गहराई से पहचानेंगे, और तब हम लोग यहाँ के कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे पुरोहितगण हैं, मैं ही केवल सब कुछ बोलते जाऊँगा तो समय नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा और बहुत सारी बातों को बोलने के लिए, इसलिए पुनः मैं आप सभी का मैं धन्यवाद मैं करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ सुंदर गीत के लिए, फूल गुच्छा के लिए, आप लोगों के बीच में स्वीकारने के लिए, ग्रहण करने के लिए, सब कुछ के लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु। पल्ली धरती लिंग बहुत धन्यवाद चिदम फादर कुनकुरी पल्ली पल्ली पुरोहित निहे प्रेम भाव शब्दगे एवं यादरनुम और यदि ताली आभार नमचोत और मत एक साथ नम गिरजन मिंसकत कुछ कुछ आवाज लेकिन आसी आवाज और एक आशरी कटकिन और मेना विद्युत जो कि करंगा बहलानो पल्ली पुरोहित रहचस
और अस्तेक ईशन फादर कंचनसी अड्डानु वर्ष का दस फादर फुलजेंस मिंस इस सामाजिक कार्यकर्ता बहुत गहन रूप ये नेरते वर्ष का दन और अखदन हूँ कि इस और आगे फादर कंचन आडन और सुंदर कमोस तो आसी शब्द हूँ आसी आवाज हूँ नाम कटिक्की दो शब्द द्वारा आसी हूँ इन आमंत्रित नंदन फादर फुलजेंस सब हमको जय यीशु। तो दो शब्द कहने का अवसर मिला है और इसलिए मैं मेरा परिचय से ही शुरू करूँगा। जैसे बाहर रहने से पता नहीं लगता है लेकिन तो यहाँ आने पर सबको परिचय तो देना पड़ेगा। मैं फादर फुलजेंस मिंज हूँ। मेरा गांव बैगा टोली मुसगुटरी पारिश। अभी 4 साल करंगा बहला में पल्ली पुरोहित और उदयपुर डीनरी का 2 साल के लिए डीन था और अभी यहाँ पर ग्रामीण विकास केंद्र में एक निर्देशक के रूप में मुझको बिशप स्वामी ने चुना है। मैं आप सबों के स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उससे हमें लगता है कि हम चलो इस घर के हैं और इसलिए बार बार मिलने से ही केवल हम लोग आपको भी जानेंगे और अधिक जानकारी हम लोग के बारे में भी रख सकेंगे। तो आपके अच्छे स्वागत के लिए और आप कुनकुरी पल्ली में हम लोगों को शामिल करने के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और पल्ली समाज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग प्रयत्नरत रहेंगे। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। जय यीशु। पुनः फादर फुलजेंस को हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियों द्वारा धन्यवाद देंगे। हमारे भी इसमें जानते हैं पिछले 1 साल से, पहले से भी जानते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग हर इतवार या तो कोई फंक्शन होता था उस समय मिलते थे, देखते थे। हमारे बीच में सहायक पल्ली पुरोहित फादर संजय क्रिकेटा, उनसे भी ज़्यादा नहीं 2 शब्द द्वारा हमको उद्गीत करें। और मारीन जय यीशु। जय यीशु। उनटे छोटे बड़ा खद्दा से सवाल ना जिक्र हचस। फादर जी एक चीज बताइए, आती है जाती है, आती है दोबारा फिर जाती है, उसके बाद में वापस कभी नहीं आती है, क्या चीज है? एन किया मैया राहल रकान क्लू दे दो बेटा। तो चिच्चस आपके ऊपर तो है फादर, क्या में है? आपके शरीर में, ऊपर की नीचे, ऊपर में सिर का टकला बाल और मुंह का दांत। दूध दांत एक बार आती है जाती है, फिर आती है जाती है, कभी नहीं आती है। सिर का टकला बाल शुरू में आता है, मुंडन करते हैं आता है, चला जाता है, कभी नहीं आता है। ये आना जाना पुरोहितों के जीवन में लगे रहता है। जैसे फादर अनिमा बोल रहे थे कि 1 साल से फादर को देख रहे थे हम। कल पिछला संडे यहाँ के बड़े फादर को हमने भावभीनी बरसात के साथ विदाई किए। आज हम लोगों को हंसते गाते आप लोगों ने स्वागत किया है। और जब मैं अपने जीवन के देखता हूँ पुरोहितों का या तो धर्म बहनों का, हम लोगों का इतना सारा परिवार, जहाँ भी जाते हैं हमारे लिए परिवार बन जाता है। और इतने दिनों में जहाँ भी रहते हैं, कम से कम शुरुआत में जिस दिन हमारे स्वागत होती है, बाप रे लग्गा लेंगा गे भाले फादर वंश का, सिस्टर गेहूँ लग्गी भाले सिस्टर वंश का, और एक विदाई मनी अवला हेमा गे लग्गी, अरे
इतने बग्गेड़पा तरगेन जोड़कर इन्ने बग्गे समुदाय और इन्ने बग्गे परिवार बन जाए मोर खुशी लगी धैन बंचकन फादर बैसे लगी। आज मुझे यही महसूस हो रहा है, कई जगहों में मैं कई पल्लियों में रह चुका हूँ और आज औपचारिक या तो ऑफिस तौर पे कुनकुरी पल्ली के जितने परिवार हैं उनका मैं एक कोर्ट कचहरी की ओर से कहें तो एक वैध रूप से एक सदस्य बन रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसके लिए हम सभी को इतने मिस्सा पूजा से प्रार्थना से आशीष मांगे हैं, प्रार्थना किए हैं। मैं सोचता हूँ आप लोगों की जरूर आज हमारे ऊपर दुआएं लगी हैं। जितने दिनों तक प्रभु आप लोगों के साथ हमें अपनी योजना के अनुसार रखेंगे, मैं सोचता हूँ हम सब मिलकर इस एक साथ जिस विश्वास को हमने पाया है उस विश्वास के बीज को आज जिस तरह बीज के बारे में हमने सुना है उस बीज को फल लाने तक हम कार्य करेंगे। आप लोगों के सुंदर फूल गुच्छा और इतने गह गह महमा अंथी नहीं हो रहा था गाना और सारे मधुर सुरों और गानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फादर संजय आपके सुंदर शब्दों के लिए, पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं तालियों द्वारा। हमारे बीच सबसे बाबा जैसा दिख रहे हैं और काफी हंसमुख रहते हैं, ये तिलंगा में सहायक पल्ली पुरोहित थे 4-5 साल मेरे ख्याल से, और वहाँ से अभी एक नज़र हम बिशप हाउस कैंपस को देखेंगे, उनकी निगरानी या देख रेख या निर्देशक या कुछ भी बोले उनका इंचार्ज के लिए यहाँ पर पुनः आए हैं, उनसे भी हम दो शब्द द्वारा सुनना चाहेंगे कि फादर सेल्वेस्टर। आप सबों को जय जीसु। मेरा परिचय तो दे दिए, फादर सिल्वेस्टर कुजूर तिलंगा से यहाँ आया। मैं भी ताजुब किया काहे इस समय में हमको इधर ला रहे हैं। तो आप लोगों के सुंदर स्वागत के लिए और फूलगुच्छा और विनती प्रार्थना के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं रहेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, कार्यों में एक दूसरे का साथ देंगे और यहाँ के विश्वासियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय बहुत रहेगा, आज इतना ही कह करके मैं आप सबों को बहुत बहुत सब कुछ के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फादर सिल्वेस्टर आपके सुंदर शब्द के लिए, पल्ली की ओर से पुनः आभार व्यक्त करते हैं तालियों द्वारा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम हम यहाँ अंत करते हैं। पुनः सभी पांचों फादरों को और हमारे बीच में मीडिया प्रभारी फादर विकास बड़ा हैं, उनसे हम लोग भूल गए थे धन्यवाद देने के लिए, और पूरे मिस्सा में और अभी लाइव का प्रसारण इन्होंने किया, और साथ में ब्रदर भूल रहा हूँ सुरेश और उनके साथ ब्रदर हैं, और जितने भी यहाँ पल्ली में सिस्टरगण और पल्लीवासी सभी ब्रदरगण सबको पुनः पल्ली की ओर से बधाई और धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को की बंद करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।